हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जेसिका और आपके अपने जेसिका ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बोड़ा से नाश्ता और बनाएंगे टमाटर का पकौड़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत सिंपल है। तो और हम बनाएंगे लौकी का हलवा। तो चलिए, वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो आप शेयर भी करिएगा। तो चलिए, वीडियो पे एंड तक बने रहें, आप यहीं से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बोड़ा का नाश्ता। तो यहाँ पे हमें चाहिए सबसे पहले बोड़ा, और इन्हें धुल करके ले लेना है। उसके बाद इन्हें बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने कट कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक। और अब इनको हम चलेंगे फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए आ गए हैं, कढ़ाई को चढ़ा दिए, ऑयल भी डाल दिए। इसमें डालेंगे जीरा और उसके बाद सौंफ। तो अब यहाँ पे डालना है बारीक कटा अदरक, और तीखा के हिसाब से हरी मिर्च डालना है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। पकने के बाद हम इसमें डालेंगे बोड़ा कटा हुआ, और इनको मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे लिए मैगी मसाला, इनको भी डालेंगे, इनसे बहुत ही अच्छे टेस्ट आते हैं। उसके बाद पानी पकने के लिए, जितने में बढ़िया से पक जाए, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। और अब इन्हें ढक करके पका लेना है। तो जब ये अच्छे से पक जाए तब इसमें डालेंगे, यहाँ पे लिए रेड चिली सॉस, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। उसके बाद मिला करके एक प्लेट में निकाल लेना है और साइड में रख देंगे। और यहाँ पे ले लिए गेहूँ काटे, इसमें मिलाएंगे नमक। उसके बाद हल्का हल्का पानी डालना है और इन्हें बढ़िया से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएं तो आ जाते हैं गैस के पास। यहाँ पे पैन को चढ़ा दिए, डालेंगे ऊपर हल्का सा ऑयल, और कलछुल से इस तरीके से गोल गोल करके फैला देना है बढ़िया से। जब ये फैल जाएं तब ये हल्का सा पक जाएंगे, तो इसमें डालेंगे ऊपर से ऑयल, हल्का सा डाल देना है इस तरीके से। और देखिए, पक चुके हैं, तो इन्हें हम पलट देंगे। तो फर्स्ट बार ये कुछ इस तरीके से बनते हैं, पर सेकेंड बार से ये बहुत अच्छे से बनने लगते हैं। और यहाँ पे जो हम बना करके रखे थे बोड़ा को फ्राई करके, इसी पर आप रख करके इन्हें आप जिस तरीके से चाहें फोल्ड कर दें। तो चलिए, यहाँ पे हम इस तरीके से मोड़ दिए हैं, अभी आपको और दिखाते हैं आप इन्हें और किस तरीके से मोड़ सकते हैं। तो चलिए, दूसरा भी हम फैला देते हैं बढ़िया से। ये देखिए फैल गए हैं, ऑयल भी डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए पक चुके हैं, तो पलट देना है। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया पका हुआ है, और दोनों तरफ पक जाएं तब इसमें डालना है ऊपर से। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बोड़ा को फ्राई किए हुए रखना है। और अब इनको हम तीन कोन का बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, इस तरीके से पहले मोड़ना है, उसके बाद दूसरे साइड से मोड़ेंगे, और ये तीसरे साइड से मोड़ देना है। ये देखिए, इस तरीके से दिखने में भी अच्छे लगते हैं और बहुत आसान भी है बनाना। तो ऐसे मोड़ देंगे, और आप इन्हें लंच बॉक्स के लिए भी ले जा सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। अभी ये रेडी हैं, इनको एक थाली में रख देते हैं, और आप इस तरीके से भी बना करके खा सकते हैं। इनको हम अलग अलग रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोड़ा का नाश्ता बन करके तैयार है, बहुत यम्मी लगते हैं, आप ज़रूर इन्हें बनाइएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अब बनाने की बारी आती है लौकी का हलवा। तो चलिए, उनको भी देख लेते हैं कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे लौकी तोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर छत पर लौकी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी लौकी हैं। यहाँ पर देखिए, ये चार लौकी आपको दिख रही हैं, तो इसमें से हम एक लौकी लेके चलेंगे, और एक पहले से जो है तोड़ करके मम्मी रखी हैं, तो उनको भी हम इसी में कद्दूकस करेंगे हलवा बनाने के लिए, और जो इसमें से बचेंगी उनका सब्जी भी बनाएंगे। तो चलिए, चलते हैं नीचे, और इन्हें सबसे पहले हम छीलेंगे, उसके बाद इन्हें धुल करके कद्दूकस कर लेना है। तो अभी हम आ चुके हैं नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अब हलवा बनाने के लिए चलते हैं। तो कढ़ाई को चढ़ा दिए गर्म होने के लिए, अभी ये गर्म हो चुके हैं, तब इसमें डाल देना है घी। और यहाँ पे देखिए, लौकी भी कद्दूकस हो गई हैं, और घी भी कढ़ाई में गर्म हो गया है, तो इसमें डालना है कद्दूकस किया हुआ लौकी, और इन्हें चलाते हुए कलछुल से इस तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद इनको ढक देना है पकने के लिए। जब तक इधर ये पकेंगे, तब तक यहाँ पर हम खलबट्टे में इलायची को कूट लेंगे, बढ़िया से इन्हें कूट लेना है। तो कुछ देर के बाद अब इसमें हमें डाल देना है, मिलाने के बाद, इलायची कुटा हुआ,
और उसके बाद इसमें मीठा के हिसाब से यहाँ पे चीनी ले लिए, इनको भी डालेंगे। आप मीठा के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। उसके बाद इन्हें बढ़िया से पका लेना है, बिल्कुल ड्राई सा हो जाए। तो देख सकते हैं अभी ये हलवा बन करके रेडी है। तो चलिए अब बनाते हैं टमाटर के पकौड़े। तो यहाँ पे टमाटर धुल करके ले लिए हैं, इनको कुछ इस तरीके से कट करना है, एक टमाटर में दो भाग करना है। और जब ये सब टमाटर कट हो जाए तब आपको क्या करना है, तो चलिए अब ले लेना है एक खलबट्टा और इसमें डालना है हरी मिर्च तीखा के हिसाब से, उसके बाद थोड़ा सा अदरक। इनको कूटना है, बढ़िया से कूट लेना है। तो यहाँ पे कूट चुके हैं बहुत ही अच्छे से, और हरी धनिया को भी कट कर लिए हैं। तो उसके बाद ले लेना है बेसन, इसमें मिलाएंगे कूटा हुआ हरी मिर्च अदरक, उसके बाद डालना है हरी धनिया की पत्ती बारीक कटा हुआ, ये देखिए। अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया, और उसके बाद डालना है थोड़ा सा अजवाइन, उसके बाद डालेंगे सफ़ेद नमक टेस्ट के हिसाब से, और अब इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल देना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसमें हम हल्का हल्का पानी डाल करके मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बढ़िया से फेंट लिया है, और अब इसमें टमाटर को इस तरीके से डिप करना है, और इसमें सब तरफ से बेसन को लगा लेना है। बेसन लगाने के बाद कढ़ाही में ऑयल को डाल दें गर्म होने के लिए। यहाँ पे ऑयल अच्छे से गर्म है, इसी में एक एक करके डालना है टमाटर के पकौड़े। तो चलिए दूसरा भी इसी तरीके से हम डाल देते हैं। जब आपको लगे ये हल्का सा पक चुके हैं तो इन्हें पलट देना है। अभी हम और इसमें डालेंगे। तो जैसे जैसे पकते जा रहे हैं वैसे वैसे इनको हम पलटते भी जा रहे हैं। उसके बाद इन्हें इस तरीके से चलाते हुए कलछुल से पकाना है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये पकौड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं, और ये भी देखिए कितना बढ़िया फ्राई हो गया है, और ये चटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इन्हें ग्रीन चिली सॉस के साथ खाएं या टोमेटो सॉस के साथ खाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी इनको हम आपको कट करके दिखा रहे हैं बीच से, और इसी के साथ में हरी मिर्च को भी फ्राई कर लिए हैं। इनके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो अभी आप देख सकते हैं टमाटर के पकौड़े बनकर के तैयार हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली रेसिपी आप क्या देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।